स्वागत है आपका प्रभात खबर में। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, आइए जानते हैं मार्केट का हाल क्या है। देखिए सर, ये बड़ा सूप है जो घर में यूज होता है, इसका आपको पड़ेगा 100 रुपये। ये जो है उसको छोटा है, इसका दाम आपको पड़ेगा 90 रुपये। उससे भी छोटा सूपली है, उसका दाम आपको पड़ेगा 50 रुपया। दौरा का दाम जैसे है सर 450 रुपया है, उसको 400 रुपया पड़ेगा। नहीं, पिछले साल से तुलना कीजिएगा तो इस साल कीमत जो है घटा है, हाँ कम हुआ है। पिछले साल कोरोना के लेकर के आदमी बनाता भी नहीं था, बाहर भी लाता भी नहीं था, तो दाम उसका हाईएस्ट था। पिछले साल हम जो आपको 100 रुपया बताए उसको हम 150 रुपये में बेचते थे। ये जो चीज़ है यहाँ पर सारा कुछ सूप दौरा जो भी रखा हुआ है, वो आप लोग खुद से बनाते हैं या बाहर से खरीद के लाए? जो हम लोग खरीद करके लाते हैं, हाँ जैसे हम जो दुमका से खरीद के लाए हैं। 40 रुपया पीस गागल है, नरियर है 40 रुपया। अच्छा, आप क्या क्या खरीद अभी यहाँ से? ये अभी दौरा खरीदे हैं, सूप खरीदे हैं और नारियल खरीदे हैं, कुछ सामने तो बाकी है। अभी बहुत ही महंगाई है अगले साल के भांति इस बार तो। अच्छा, अब देखते साल से ज़्यादा मतलब महंगाई इस बार आपको लग रहा है? हाँ, अगले बार तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, सूप दौरा में भी है, हर एक चीज़ में सारी चीज़ महंगाई है। कितना पड़ा आपको? और दौरा का रेट अगले बार खरीदे थे वही 150-200 आसपास में चला आया था। 150-200 में? हाँ, इस बार तो 300 आ गया है। 300 में? हाँ, महंगा हुआ है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सूप का भी महंगा भी बहुत बढ़ गया है। अगले बार 50-60 में मिल जाता था, अब तो 80-90 सीधे 100 आ गया है, मतलब दुगना हुआ है। हाँ, सीधे एक तरफ से देखिएगा तो दुगना हो गया रेट का। सूप हमारे पास 60 का है, 160 रुपये जोड़ा। दौरा 2-3 किस्म का है, 350 का है, 400 का भी है। खांचा हमारे पास 200-250 का है। छोटा सुपली जैसे होता है 80 रुपया 60 रुपया का है। यही सब डामा हो गया 70-80 रुपये जोड़ा, नारियल 60 रुपये जोड़ा का है। ड्राई फ्रूट्स है, वो सब गड़ी है, छुहाड़ा है, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, जायफल है, सौंफ है, छोटी इलायची, लौंग, बड़े इलायची, कमलगट्टा है, सुपारी है, कठिया बादाम है, मखाना है, कपूर है, पंचमेवा है, धूप है, हुमाद है, मधु है, गंगाजल है, और हाथे बांधने वाला मौली धागा है, सिंदूर है, अगरबत्ती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पिछले साल से बोले तो इस साल महंगा हुआ है कि सामान सस्ता हुआ है? इस साल से महंगा है सब सामान, इस साल सारा कुछ महंगा है। जो 2 साल जो कोरोना के कारण तो मार्केट ठीक से हो नहीं पाया, लेकिन इस बार मार्केट पहले दिनों से कुछ अच्छा ही है और ग्राहक का भी ऐसा ही है कि आ रहा है, ले रहा है, सब बढ़िया से खरीदारी। हम लोग को भी उम्मीद है कि इस बार अच्छा से खरीदारी होगा, हम लोग का मुनाफा भी हो, और अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है, दिक्कत नहीं बुझा रहा है कि होना चाहिए। छठ भी तो बहुत सब कोई धूमधाम से मना रहा है, कोरोना के डर से बहुत कुछ छठ घर में ही कर ले रहा था, घाट वगैरह जा नहीं रहा था, इसलिए सामान भी हम लोग ठीक से बिक नहीं रहा था। इस बार है कि हम लोग का भी उम्मीद है और सामान भी ग्राहक खुशी से ले रहा है, रेट भी जनरली वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, सब चीज़ वो वही लमसम वही रेट है, थोड़ा मोड़ा, हाँ थोड़ा मोड़ा, बस थोड़ा मोड़ा, बाकी सब ठीक ही है। 20 रुपये के जी? 20 रुपये के जी? हाँ। एक बंडल में 15 केजी? और नारियल है, सूप है, दौरा है, अभी कल प्रसादी सब आएगा, हरा सब। 100 रुपये किलो पानी फल है, खीरा है 60 रुपये किलो, कद्दू है 50 रुपये, और आंवला है 60 रुपये किलो, शरीफा है 100 रुपये, और लकड़ी है 20 रुपये किलो। लकड़ी 20 रुपये किलो? हल्दी 150 रुपये केजी है, गाजर 150 रुपये केजी है, आदि 140 रुपये केजी है, खीरा 60 रुपये केजी है, शरीफा 80 रुपये केजी है, डम्भा जो है वो 80 रुपये जोड़ा है, और बाकी दुकानें भी लग रहे हैं, सज रहे हैं। दिया का 150 रुपया पीस है, ये 10 रुपया पीस है, 40 रुपया पीस है, ये 20 रुपया पीस है, वो 10 का पीस है, दिया 15 रुपया पीस है, और कलसा धूपदानी है 30 रुपया पीस, हाथी 150 का है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।